तो पहले हम दोस्त के पास जाते हैं, उसको पिक करते हैं। बारिश में राइड करने का मजा ही कुछ अलग होता है। दोस्त की कैप उड़ गई। वाह क्या हाईवे है। बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है। चलो दोगे पन यूट्यूबर। याद भावा ने आपली गाडी सर्व्हिसिंग केलेली आहे। दोस्त के पापा थोडे नाराज आहे। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम के लिए। तो पहले हम दोस्त के पास जाते हैं, उसको पिक करते हैं। बाद में बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है तो अभी हमारा दोस्त घर पे नहीं है, उसके शॉप पे है। तो वहाँ जा रहे हैं हम अभी। तो वहाँ से पिक करते हैं उसको और निकलते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, निकल चुके हैं अपने काम के लिए हम। तो हम जा रहे हैं अभी सर्विसिंग करने बाइक की अपने मानगांव। मेरे यहाँ से शायद 1 घंटा दूरी पे पेट्रोल भी भरना पड़ेगा। अभी वो भी भर लेते हैं आगे। सुबह सुबह निकलना राइड पे मज़ा आता है थोड़ा। देखते हैं अभी बारिश का कैसा क्या होता है। ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। अभी आगे पेट्रोल पम्प है, उधर भरते पेट्रोल। शादा कुत्ता है सामने, थोड़ा धीरे चला तो उसका कुछ भरोसा नहीं, कभी बीच में आ जाए। बारिश में राइड करने का मजा ही कुछ अलग होता है। अरे तो दोस्त की कैप उड़ गई। थम थम। परत राहील का कैप? कैप काढून ठेव नाही तर उडेल परत कैप रे। परत जाईल नाही तर। अभी हम कोलाड पोहोच रहे हैं। उधर से राइट साइड जाएंगे, फिर बाद में इंदापुर और बाद में मानगांव, जहाँ पे हमें सर्विसिंग करनी है बाइक की। 9 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन शायद जाते जाते 10 बजेंगे। बाइक थोड़ी हमारी गर्म हो चुकी है, मेरे को हीट लग रही है थोड़ी। अभी फर्स्ट सेकंड गियर पे चलाते हैं तो हीट हो जाती है। अभी हाईवे पे नहीं होगी, हमारे मिरर भी लूज है ना, तो थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं देखने के लिए पीछे। वहाँ पर खड्डों में रास्ता, क्या है खड्डों में रास्ता। मुझे लगा वहाँ तक ही था, लेकिन आगे तक है। वाह क्या हाईवे है। अरे कहाँ तक है खराब रास्ता, कंटा आना है ऐसे रास्ते आते तरफ मक है बगल लोगों। बाइक चलाने का मूड ही चला जाता है फिर। थोड़ी बारिश हो रही है अभी, आई होप ज़्यादा ना हो, नहीं तो रुकना पड़ेगा और टाइम लगेगा पहुँचने के लिए हमें। हो गई थोड़ी धीरे हो गई, लेकिन भरोसा नहीं कुछ भी। अभी चौथे गियर पे तो 86 टेम्परेचर आ गया 93 से। तो ऐसे सुपर बाइकों को तेज़ भागना ही पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए चौथे गियर पे रखना ही पड़ता है 90 के अबव थोड़ा। सामने से पूरा भीग गया हमें। हमारे ग्लोव्स भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो वो भी भीग जाएंगे। बाप रे यार, और तेज हो गए।
कैमरा तो चल रहा है हमारा, लेकिन बैटरी लो हो चुकी है। अभी देखते बंद पड़ता है तो चेंज कर लेता हूँ। बैटरी साथ में लाया हूँ मैं, सामने कैमरा लगाने वाला था ताकि मेरा व्यू दिखे सामने से, लेकिन बारिश की वजह से मैंने नहीं लगाया उसको। वो बारिश का वाटरप्रूफ केस लगेगा, वो भी अभी लूँगा मैं बाद में। रिटर्न आते वक्त शायद शूट नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है बैटरी तब तक नहीं टिकेगी। उधर जाके मुझे सर्विसिंग करते वक्त तो वो भी शूट करना है। अभी हमको 45 मिनट हो चुके हैं, अब से रिकॉर्डिंग चालू ही है। शायद बोला कभी सर्विसिंग चालू है गाड़ी से मेल आज नहीं गिरता जाए नहीं गिरता जाए दोन तक होऊन गेले ना आपल्याला। आता गाड़ी वॉशिंगला गेली आहे, वॉशिंगला गेली आहे, वॉशिंगला सर्व्हिसिंगला अजून दोन तास जाते मला वाटतं परत। आधी वॉशिंग वॉशिंगला अजून दोन तास तरी जातील मला वाटते सर्व्हिसिंगला, बघू आता कधी काय कसं होते। अभी हमारी बाईक राउंड पे गई है, तो अभी राउंड होने के बाद सर्विसिंग चालू होगी बाइक की हमारी। तो यहाँ पे हमारी बाइक सर्विसिंग होगी, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है बाइक सर्विसिंग के लिए। बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है चालू हाय कर रहे हैं बटन बंद कर रहे हैं। अवस्था देखो बाइक की है, क्यों ना दस पूरी मिट्टी गई हुई है, दिख रहा है क्या आपको? टाकीत पण पाणी जाते गाडीचं, टाकीत पाणी जाते गाडी बिल फेंको, ये लगने वाले अपने बाइक को। क्या जैसा पड़ला ना कि उजड़ जा सकता है। अभी बल्ब चेंज हो रहा है बाइक का सामने वाला। नया एलईडी बल्ब चेंज कर दिया हमने, पूरा ओपन हो चुका है बाइक का सामने वाला। दोनों बल्ब लगने वाले हो, देखते हैं कैसा एडजस्टमेंट होता है। पीछे का भी नंबर प्लेट चेंज करना है, खराब हो चुका है। दोगे पण यूट्यूबर हां हाय करा ये लेडी बल्ब सारी जुगाड झाला आहे। एका कनेक्टरवरती दोन केलेस का? ना बाबा झाला का?
मोटर दापणं ना हे कन्व्हर्टर दापणं. अच्छा, हा रबर कट करण्यापेक्षा हात तुटलेला परवडेल आपला. बघ हा एक साईडने बरोबर झालं. फॅन दिला घेतला. फॅन दिला फक्त रात्री निघायला लागेल मला लवकर. तेव्हा सकाळी गाडी घ्यायची. काय मी मी कितीच बोललो ना रात्री तरी येऊ. कस्टमर पण असं विषय घेतली ना तिला किती टाइम वगैरे सांगतात. पाहून तर झाला असेल मला वाटते. तेव्हा जाऊन ऍडजस्टमेंट झाली त्याची. फायनली हेडलाइट लागली हमारी बाइक की. एक बार चालू करके देखते फिर तो. पॅड भेटत मला मागून जातो मला वाटतं एक महिन्यापर्यंत. आवाज जरा पण यायला ना डिश म्हणणार पॅड बदलायची राहिली. चित्र प्रकारे करून ठेवले स्वतः काढलाय. स्टूल वरती स्टूल वरती बघते बसली आहे जरा वेळ आराम करते. पाय दुखतोय एक पाय काढलेला. चेक करते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं. अभी चेक किया हमने थोड़ी सी चेन ज़्यादा ही टाइट है तो उसको थोड़ा लूज कर रहे हैं हम. चेन का थोड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो उसको पूछते हैं हम. और अभी काम तो हो चुका है हमारा. चेनचं काय करायला लागेल. चेनचं थोडं जास्त आवाज येते. बाकी काय नाही ना रबर टाकले ना आवाज येतो ना. हा असं वाटते घासते चेन ते रबर टाकेल. हा हा त्याला घासते म्हणून आवाज येते का असं पण असेल ना.
त्याला कसं आहे तुटलंय पण ना. अच्छा नंबर घेतलं ना त्याचा. ठीक आहे ठीक आहे. मग तो पण सांगितलंस का? ओके ठीक आहे. बाकी तर ओके वाटते मला, काय प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम काय माहिती कैसी घासलो. ठीक आहे चेन तुटणार नाही चालेल. बाकी ओके नाही तो चटकतो आहे. फाइनली बाइक सर्विसिंग हो चुकी है हमारी. ये देखो एक बार लुक देखो. साउंड भी सुने एक बार और. दादा ये तो सर्विसिंग के लिए दिवस घाला. सर्विसिंगला सर्विसिंग एकदम मस्त झाली, चांगली झाली, काही प्रॉब्लेम नाही. आता आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या गाड्या होतात ना सर्व्हिसिंग, कुठलेही कुठलीही गाडी आपल्याकडे सर्व्हिसिंग होऊ शकते. इथे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये यांची शॉपचा ॲड्रेस देतो, तुम्ही येऊ शकता इथे आणि चेक करू शकता, गाडी सर्व्हिसिंग करू शकता व्यवस्थित, काय प्रॉब्लेम नाही. एकदम एक्सपर्ट आहेत, एकदम स्पोर्ट्स बाईकची एकदम कुठलीही गाडी आणू शकता तुम्ही आणि सर्व्हिसिंग करून घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. याच भावाने आपली गाडी सर्व्हिसिंग केलेली आहे, एकदम ओके गेलेली आहे गाडी. ठीक आहे चला, बाकीचे डिटेल मी तुम्हाला ब्लॉगच्या एंडिंगला देतो. बिल किती काय झालं ते. अभी 6:30 बज चुके आहे, सुबह 10 बजे आए थे हम. इतने घंटे हो गए, बहुत देर हो गई. अभी सीधा घर जा रहे हैं, इधर भी रुकना नहीं है. और बाकी की डिटेल में सर्विसिंग की जो कुछ हुआ है सर्विसिंग उसकी डिटेल में बता दूंगा. सर्विसिंग तो बहुत अच्छी हुई है हमारी बाइक की, जिसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो एकदम सस्ते में. और बंदा बहुत अच्छा है, एकदम ठीक ठाक सर्विसिंग करके दिया है उसने. टाइम लिया उसने लेकिन एकदम अच्छे से करके दिया है. जो जो पार्ट्स बिठाना चाहिए नहीं बिठाने चाहिए सब कुछ बता दिया. इसकी ज़रूरत है किसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और कॉस्ट भी बहुत सिंपल सा है. ऑयल नहीं चेंज किया है क्योंकि ऑयल ठीक है, चेक किया उसने, बोला ऑयल की ज़रूरत नहीं है. अभी कूलेंट भी चेक किया, ओके एकदम. अभी हमको आधा घंटा लगेगा पहुँचने में घर. बाकी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको. फाइनली हम पहुँच गए, अभी दोस्त को ड्रॉप कर रहा हूँ. दोस्त के पापा थोड़े नाराज़ है, देर हो गई आने के लिए, इसलिए अभी हम निकल रहे हैं इधर से. अभी हमारा व्लॉग यही तक था, चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय.